हेलो जी, राम राम जी, सब दे मेरी साइड ते। और वहाँ मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, मैं वहाँ का आपको नाम नहीं मेंशन करूँगी, और क्योंकि पता नहीं बुरा लगे उन्हें क्या लगे, बट मैं खुश नहीं थी बिल्कुल भी। तो जिन्होंने मेरे को वैक्स करा, उन्होंने मेरे को पता है मेरे पैर में जला भी दिया। ध्यान दे, सीट की गोली भरे खड़े हैं। सब ते मेरी साइड ते। ठीक है, तो सबको मैंने कर दिया है विश अपनी जाट लैंग्वेज में। यूवी ने मुझे सिखाया कि इस तरह से करो, कुछ अलग होना चाहिए। जिसको समझ आई समझ जाओ, जिसको समझ में नहीं आई तो वो भी समझ जाओ। वो साइड वाले से पूछ लो। पापा आ गया। तो आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू व्लॉग में, और आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हमारी जो है तैयारी चल रही है टूर पे जाने की। करने जा रहे हैं अभी थोड़ी सी शॉपिंग, नजफगढ़ में जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं जाऊंगी सैलून में, मुझे अपना कुछ काम वगैरह करवाना है, और आज होने वाले हैं मेरे हेयर कट, और बहुत मजा आने वाला है। मैंने कराने में कुछ छोटे छोटे बाल अपने, ठीक है, ठीक है, यूवी के जैसे। ठीक है, आपके जितने ध्यान के रखो, मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। तो हाँ, हेयर कट करवाना है और एक दो काम और कराने हैं, तो मैं वहाँ पे वो कराऊंगी, और यूवी को कुछ काम है वो अपना वो करा कर के आएंगे तब तक। और उसके बाद फिर नजफगढ़ मार्केट से ही कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है, उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे घर, और फिर करेंगे हम लोग पैकिंग वगैरह। तो शुरू करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अभी हम रोड पे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आगे जाके बताएंगे रोड कहाँ तक जाता है, कहाँ गाड़ी रुकेगी। मतलब पल पल की खबर देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो टूर होने वाला है ये फैमिली टूर है हमारा। मेरी रेखा दीदी, हम, मेरी जो ननंद है, दोनों ननंद, मीना दीदी, रेखा दीदी, उनके बच्चे, यूवी, मैं, ध्यान, तो हम सब लोग जा रहे हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग देखना हमारे सारे व्लॉग जो भी हम लोग अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। और हम लोग शायद एक साल बाद जा रहे हैं ना टूर पर, यूवी? थोड़ा सा जाकर के एंजॉय वगैरह करा जाए। और तो बस इसलिए हम लोग ने, हम वैसे तो 4-5 दिन से प्लान कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे, तो अब फाइनली हमने कल की डेट कर ली है फिक्स, और हम लोग कल निकलेंगे यहाँ से। और अभी हम लोग अपने करते हैं फटाफट से काम, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो हम लोग सैलून के अंदर आ गए हैं, और अभी मैं कराऊंगी सबसे पहले पेडीक्योर, और देन वैक्सिंग कराएंगे, उसके बाद 2-4 काम है जो मुझे अपने कराने हैं, उसके बाद मैं अपना लास्ट में कराऊंगी हेयर कट। और मम्मी और ज्ञान सब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और ये भी अपना गए हैं काम के लिए, तो मैं करवाती हूँ अपना जल्दी से फटाफट सारी ये काम, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर। तो सैलून से हम आ गए, और मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा, तो वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। बाकी अभी हम लोग आए नजफगढ़ में मित्तल स्वीट के बैक साइड में, तो यहाँ से हमें कुछ सामान वगैरह लेना है, मतलब बैंग्स वगैरह, क्लचर्स, तो वो मैं भी देखूँगी यहाँ पे। तो हम लोग घर आ गए थे, और फिर आकर के सबसे पहले लंच करा, क्योंकि बाहर कुछ खाया नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी मतलब। और उससे पहले जो सैलून के बाद मैंने कोई वीडियो कंटिन्यू नहीं करी, क्योंकि मेरा वहाँ पे थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। मतलब यार, वैसे तो किसी नोन का था वो सैलून, यूवी जैसे कि बता रहे थे, पर मुझे लगा चलो जान पहचान का तो क्या अपना अच्छे से काम करेंगे वगैरह। तो देखा वहाँ जाके, तो वैसे तो वहाँ पर हम फर्स्ट टाइम ही गए थे, और यूवी ने भी ऐसा कुछ वहाँ नहीं गाया, बट हाँ कोई था तो यू मतलब मिले होंगे पहले, तो उसे पता होगा हमारे यहाँ सैलून है, तो आप आना एक बार ट्राई करना। तो और हमारे पास इतना टाइम आज है नहीं कि हम लोग
बस उनको साइड में जाएं, उसके बाद हम लोग अपने जो है क्या कहते हैं काम वगैरह कराएं अपने लोगों का। तो हमने सोचा चलो ठीक है पास में हम लोग जाते हैं, अपना फटाफट से निपट जाएंगे और अपना काम वगैरह हो जाएगा। तो फिर हम वहाँ से गए वहाँ पे, तो मुझे लगा शायद अच्छे से करेंगे। तो मतलब एक तो जो भी वहाँ पे काम करने वाले थे, दो तीन वहाँ लड़कियाँ थीं तो बिल्कुल अनट्रेन थी वो, और एक ने तो मतलब एक उतना जैसे हम सेटिस्फाइड होते हैं जैसे कि यार हाँ हम खाने में, कपड़े पहनने में, अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सलोन को लेकर के मतलब मैं इतना सीरियस रहती हूँ कि क्या मतलब जहाँ पे मुझे अच्छी सर्विस मिल रही है, जहाँ पे आपको अच्छे से ट्रीट करा जा रहा है, आप सलोन किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि आप वहाँ रिलैक्स फील करने जाते हैं, ठीक है, अपने आप को थोड़ा अपनी मतलब एक तरह से खुद को पैम्पर करते हैं मतलब, ठीक है, वहाँ पे जा कर के कि हाँ अपना ख्याल रखना, अपनी सारी आपको जो भी कराना है वहाँ पे, हेड मसाज, मसाज, वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो बेसिकली आप वहाँ पे जाते हो रिलैक्सिंग के लिए। तो यार वहाँ मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, मैं वहाँ का आपको नाम नहीं मेंशन करूँगी, और क्योंकि पता नहीं बुरा लगे उन्हें क्या लगे, बट मैं खुश नहीं थी बिल्कुल भी। तो जिन्होंने मेरे को वैक्स करा उन्होंने मेरे को पता है मेरे पैर में जला भी दिया, और मुझे ये वैक्सिंग इतनी ज़्यादा मतलब मुझे पसंद नहीं है, हालांकि कराना पड़ता है, बाकी मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जला भी दिया, और मतलब कुल मिलाकर उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करा। एक उन्होंने किसी को अच्छे से ट्रीट करना उन्होंने वो भी नहीं करा, अपने आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं फर्स्ट तो यही होता है, बट वो भी नहीं हुआ वहाँ पर। तो मतलब कुल मिला के वहाँ पर पता है मूड बिल्कुल ऑफ हो गया, बिल्कुल मन नहीं करा कुछ भी करने का। मतलब उसके बाद मेरा मन था उसके बाद कुछ खाने का कि चलो हम सैलून से पहले फ्री हो जाए देन हम कुछ खाएंगे, बट वो भी मन नहीं करा। मैंने ये भी चलो हम सीधा बाहर अपने घर चल रहे हैं बस, अब वहीं पर जाकर के खाना है मैंने जो भी। तो वहाँ से हम लोग निकले, फिर हम लोग एक और मार्केट गए, तो फिर वहाँ पर भी कुछ खास नहीं मतलब वो मिला वगैरह। तो मम्मी को सामान लेना था, मम्मी ने ले लिया था, बट मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था कि मतलब कुछ भी मतलब शूट करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोग अभी घर आ गए, इतना ज़्यादा थके हुए हैं ना मैं आपके क्या बताऊँ। हम लोग कल भी निकले हुए थे 3-4 बजे के, और रात को 11 बजे घर के अंदर आए, और कल थोड़ा सा बिज़ी थे मतलब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थे, तो उस वजह से मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। कल हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करी बाहर, तो हम लोग सीपी गए थे, सीपी में वहाँ पे हमने शॉपिंग करी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाया, उसके लिए हम रियली रियली सॉरी। और अब आज क्या है, अभी शाम हो रही है, अभी क्या कहते हैं हम लोग को सब कुछ बिल्कुल रेडी है, हमारे कपड़े वगैरह मैंने सब अच्छे से फोल्ड करके रख दिए हैं, बस हमको उसको पैकिंग करनी है, और जो हमारा सामान ज़रूरत की है बस वो रखना है हमें, बाकी सब कुछ बिल्कुल रेडी है। और मैंने आपको बताया था कि रेखा दीदी, मीना दीदी और रेखा दीदी के बच्चे और मैं, ध्यान और यूवी, हम लोग जा रहे हैं सिर्फ टूर पर, तो मम्मी यहीं पर रहेंगी और मनोज यहीं पर रहेंगे। तो कुल मिला के फैमिली टूर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ ऐसे सबके साथ। वैसे तो पहले मैं यूवी के साथ ही गई हूँ, और उससे पहले मैं अकेली ही गई हूँ, तो देखते हैं। और ध्यान भी इस बार साथ में है, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सारे जो व्लॉग्स हैं वो सब कुछ आप देखना, और कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो अभी के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है, हम लोग इतना ज़्यादा मतलब थक गए हैं कि बस नींद भी पूरी नहीं हुई। रात को सारे काम वगैरह करके सब कुछ रेडी वेडी करके, कपड़े जो मैं नए कपड़े लाए थे उनको मैं घर पे लाकर मैंने पहले से वॉश करे हैं, फिर मैंने उसको रखे हैं। तो मतलब सोते सोते ही, अब यकीन नहीं करेंगे, 3 बज गए थे, 3 बजे मैं बेड पे गई हूँ सोने के लिए, यूवी भी, मैं भी, मम्मी, हम सभी लोग। तो नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो रखी है। तो अभी के लिए, आज के लिए मतलब सिर्फ यही ब्लॉग है, और बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, यूवी भी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अपनी जो भी पैकिंग वगैरह है। और फिर जब हम नेक्स्ट डे, हम कल निकलेंगे आफ्टरनून में 2-3 बजे करीब निकलेंगे, तो जब हम निकले तब हम करते अपनी वीडियो को कंटिन्यू। और आपको आज का ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ। यार मेरा तो मूड सच में बहुत ख़राब हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, टेक केयर।